वीडियो है मुशर्रफ भाई। इस तरह है कि ये जो आज जिस किस्म की गैर आइनी गैर कानूनी और तशद्दुद करके दहशत गर्दी करके खान साहब को जिस तरीके से अगवा किया गया अदालत के अहाते से, और किसने किया है? ज़ेली इदारे रेंजर्स ने किया है। तो लिहाजा हम एक मरतबा फिर ये अज़म दोहराते हैं कि उस वक्त तक ये सड़कों के ऊपर हम बैठे रहेंगे जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता, एक बात। और दूसरी बात, उस वक्त तक हम इन सड़कों पे बैठे रहेंगे जब तक इस जो अमरीकी डॉलरों के ऊपर बिके हुए हैं इनको हम जो है वापस भेज नहीं देते, और जो आईन और कानून और दस्तूर के मुताबिक जो किरदार है उसके मुताबिक ये आईन के ताबे नहीं हो जाते, इनके मावेराए आईन इकदामात से ये पीछे नहीं हट जाते। उस वक्त तक जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। हम लड़ते रहेंगे इनके साथ, और इनसे पाकिस्तानी आवाम का जो हुकूक इन्होंने हसब किए हुए हैं, जो वसाइल पे इन्होंने कब्जे किए हुए हैं, जो पाकिस्तान की गरीब आवाम के वसाइल हैं उनको इनके हाथों से इंशाल्लाह छीनेंगे, और इनके जो ताकत के मराकज हैं उनको ठा के इंशाल्लाह हम जो है वो दम लेंगे इंशाल्लाह। वालेकुम शुक्र, बताओ क्या
एक मीना खान यहाँ पे मौजूद है, सारे MPs जो है ना तो वो भाग चुके हैं, मैंने भागे हुए हैं, सिर्फ एक मीना खान मौजूद है और ये दो फीमेल हमारे पास मौजूद है जी, दोपहर से लेके अब तक। हम लोगों ने यहाँ पे शेलिंग खाई है, बहुत कोशिश की है हम लोगों ने, हमारे ऊपर FC की तरफ से भी शेलिंग हुई है, पुलिस की तरफ से भी हुई है, लेकिन कोई भी जो है ना तो हमारा बड़ा PTI का नहीं आया। फिर वोट मांगने के लिए ये लोग आ जाएंगे, हम यही बैठे होंगे जब तक इन खान से रिहा नहीं किया तो हम पूरे पाकिस्तान को आग लगा देंगे। पहले हम पुरमन तरीके से एहतजाज करते थे, इनने हमें मजबूर कर दिया आग लगाने पर, घेराव पर, चेराव पर। हमारे बच्चों का क्या हाल इनने बनाए, औरतों को देखो क्या किया है, हमारी सरों से इनने लुपटे छीन लिए, वरना हम खान से के लिए हमारा लहू हमारी जान भी आसी रहे। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। एहतसाब अदालत ने अलकादे ट्रस्ट केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। रिमांड की मंजूरी के बाद इमरान खान अब इस केस में मजीद तफ्तीश के लिए 8 रोज तक नैब रावलपिंडी की तहवील में रहेंगे। गिरफ्तारी के बाद साबिक वजीर आजम को पुलिस लाइंस इस्लामाबाद रेस्ट हाउस मुंतकिल किया गया था। बुध को उनके खिलाफ मुकदमात की समाअत भी वहीं हुई। अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को नैब अदालत में पेश किया गया। नैब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने पुलिस लाइंस रेस्ट हाउस में ही समाअत की। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करते हुए अदालत से इस्तेदा की है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी करार देने का हुक्म कल अदम करार दिया जाए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और साबिक वफाकी वजीर असद उमर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार कर लिया गया है। मकामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा को इंसदादे दहशतगर्दी स्क्वाड ने हिरासत में लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी पर दूसरे रोज भी मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहरों का सिलसिला जारी है। लाहौर, पिशावर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में मुश्तइल मुजाहरीन ने सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया है। पंजाब हुकूमत ने सूबे में अमन अमान की खराब सूरत हाल के पेश नजर फौज को तलब कर लिया है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि ये कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से बदउनवानी और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर अमल में लाई गई है। इस्लामाबाद में गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान को चाहिए कि वो कानून का सामना करें और अदालतों में अपना दिफा पेश करें, न कि मुल्क में एनार्की पैदा की जाए। वो कहते हैं कि हुकूमत रियासत की रिट को बरकरार रखेगी और रियासती इदारों पर हमलों और फौजी इमारतों के तोड़फोड़ पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एहसन इकबाल ने कहा कि मंगल की रात इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद PTI ने बहुत सी रेड लाइंस को उबूर किया है और रियासती इदारों और फौजी इमारत पर हमले इमरान खान की हिकमत अमली के तहत किए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले ही कहा था
کہ اگر ایسا ہوا تو بحران ہوگا۔ سیاسی جماعت کی حیثیت سے ہم ملک بھر میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کو اون نہیں کرتے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں فوج طلب کرنے سے عوام اور فوج کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت حکومت یا فوج کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، البتہ آرمی چیف سے درخواست ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں۔ فواد چودھری نے وائس آف امریکہ کے نمائندے عاصم علی رانا سے یہ گفتگو کی تھی۔ پاکستان میں سابق وزیراعظم عمران خان کی اسلام آباد میں عدالت کے احاطے سے گرفتاری پر امریکی رد عمل آ گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس اور محکمہ خارجہ نے زور دیا ہے کہ جمہوری اصولوں اور ملکی آئین اور قانون کا احترام کیا جائے، جبکہ امریکی رکن کانگریس بریڈ شرمن نے کہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری فوجی بغاوت معلوم ہوتی ہے، نہ کہ انصاف کا غیر جانبدارانہ اطلاق۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہیں گے کہ عمران خان کو اب 24 گھنٹے لائیو سٹریم کیا جائے تاکہ ان کے حامیوں کے اندر ان کی زندگی سے متعلق خدشات دور کیے جا سکیں۔ عمران خان کی گرفتاری پر امریکہ، برطانیہ اور یورپی کمیشن کے علاوہ اقوام متحدہ، ایمنیسٹی انٹرنیشنل اور دیگر عالمی تنظیموں کا رد عمل بھی سامنے آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ عالمی سیاستدانوں، صحافیوں اور تھنک ٹینک سے وابستہ محققین نے بھی سوشل میڈیا پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان میں سابق وزیراعظم عمران خان کی گرفتاری کے خلاف ہونے والے احتجاج اور مظاہروں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین نے اپنے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری اور الرٹس جاری کر دیے ہیں۔ اسلام آباد میں امریکہ کے سفارت خانے نے پاکستان میں موجود اپنے شہریوں کے لیے الرٹ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سفارت خانہ مظاہروں میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان تصادم کے واقعات اور ممکنہ مظاہروں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کینیڈا کی حکومت نے بھی پاکستان میں غیر معمولی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر ہائی ڈگری انتباہ جاری کیا ہے۔ اس سلسلے میں جاری کی گئی ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی، بد امنی، فرقہ وارانہ تشدد اور اغوا جیسے خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان میں برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر اینڈریو ڈیلگلش نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائز کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے۔